मधुबाला मधुबाला ही फिल्म मुगले आजम में अनारकली की किरदार निभाई थी। मधुबाला इस दुनिया को अलविदा 36 साल की उम्र में ही कह गई। जब फिल्म मुगले आजम रिलीज हुआ तो कुछ इस तरह दिखती थी, लेकिन जब मधुबाला मरी तो कुछ इस तरह दिखती थी। पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, फिल्म मुगले आजम में पृथ्वीराज चौहान ही अकबर का किरदार निभाए थे। जब फिल्म मुगले आजम रिलीज हुआ तो कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन जब ये मरे तो कुछ इस तरह दिखते थे। इनका जन्म 3 नवंबर 1906 को पाकिस्तान में हुआ था और इनकी मृत्यु 19 मई 1972 को मुंबई में हुआ था। दिलीप कुमार। दोस्तों, दिलीप कुमार साहेब ही फिल्म मुगले आजम में सलीम का किरदार निभाए थे। जब फिल्म मुगले आजम रिलीज हुआ तो दिलीप कुमार साहेब कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन जब ये मरे तो कुछ इस तरह दिखते थे। इनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान में हुआ था और इनकी मृत्यु 7 जुलाई 2021 को मुंबई में हुआ था। निगार सुल्तान। दोस्तों, निगार सुल्तान ही फिल्म मुगले आजम में बहार का किरदार निभाई थी। जब फिल्म मुगले आजम रिलीज हुआ तो कुछ इस तरह दिखती थी। इनका जन्म 21 जून 1932 को हैदराबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 21 अप्रैल 2000 को मुंबई में हुआ था, लेकिन जब ये मरे तो कुछ इस तरह दिखती थी। अजीत खान। दोस्तों, अजीत खान ही फिल्म मुगले आजम में दुर्जन सिंह का किरदार निभाए थे। जब फिल्म रिलीज हुआ तो कुछ अजीत खान इस तरह दिखते थे, लेकिन जब ये मरे तो कुछ इस तरह दिखते थे। इनका जन्म 27 जनवरी 1922 को हैदराबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 1998 में हैदराबाद में ही हुआ था। दुर्गा खोटे। दोस्तों, फिल्म मुगले आजम में दुर्गा खोटे ही महारानी जुद्दा भाई की किरदार निभाई थी। जब फिल्म मुगले आजम रिलीज हुआ तो कुछ इस तरह दिखती थी, लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तो कुछ इस तरह दिखती थी। इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1991 को मुंबई में हुआ था और इनका जन्म 14 जनवरी 1905 को मुंबई में ही हुआ था। जिल्लो। दोस्तों, फिल्म मुगले आजम में जिल्लो अभिनेत्री ही अनारकली की मां बनी थी। जब मुगले आजम फिल्म रिलीज हुआ तो कुछ इस तरह दिखती थी, लेकिन जब इनका मृत्यु हुआ तो कुछ इस तरह दिखती थी। इनका मृत्यु 2004 में हुआ था और इनका जन्म 1905 में मुंबई में हुआ था। रज्जा मुरादा। दोस्तों, फिल्म मुगले आजम में रज्जा मुरादा ही राजा मान सिंह का किरदार निभाए थे, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुआ तो कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन जब इनका मृत्यु हुआ तो कुछ इस तरह दिखते थे। इनका जन्म 1910 भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु 1997 में भारत में हुआ था। जलाल आगा। दोस्तों, फिल्म मुगले आजम में जलाल आगा ही सलीम का किरदार निभाए थे। जब फिल्म मुगले आजम रिलीज हुआ तो कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन जब ये मरे तो कुछ इस तरह दिखते थे। इनका जन्म 11 जुलाई 1945 को मुंबई में हुआ था और इनकी मृत्यु 1995 5 मार्च को दिल्ली में हुआ था। तो दोस्तों, ये वो कलाकार थे जिनका नाम बड़े पर्दे पर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। खैर, आपको मुगले आजम फिल्म में सबसे अच्छा किन अभिनेता का किरदार लगा, उनका नाम कमेंट में जरूर बताएं।